जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है कनेक्टिव एग्जाम। हम कनेक्टिव एग्जाम पे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में जो है आपका जो है रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो पिछले कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप हमने कई टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ये आज के क्लास में। तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चन किस तरफ के किस तरीके से हैं। तो आज जो है आप लोग क्लास स्टार्ट करने के पहले ही स्टार्ट करने के बाद हम बता रहे हैं कि जो जितने भी क्वेश्चन लिखा करें सबसे पहले अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें, उसके बाद हम हमारा मेथड ट्राई किया कि हमारा मेथड देखिए कैसे हम लगाते हैं। चलते हैं इसे क्लास। ये दिया गया है आपका प्रश्न दिया गया पहला कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर से आपका प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, कैलेंडर को जो है प्रश्न आते हैं तो इसमें देख रहे हैं सबसे पहले क्या इसमें बदलाव क्या हो रहा है। देख रहे हैं 18 अक्टूबर 2003 इसमें दिया गया है वो शनिवार का दिन है और पूछा क्या गया है, दिन जो है समान है और जो है महीना भी समान है, क्या है वर्षों में बदलाव हुआ है, वर्ष जो है बदलाव हुआ है 2003 है 2005 का पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कोई भी साधारण वर्ष हो उसका उस साधारण वर्ष का प्रथम दिन और उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन, उस वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है उस वर्ष में, जैसे हम मान लीजिए 2003 है, 2003 जनवरी को माने तो 2003 जनवरी को अगर सोमवार है तो 2003 दिसंबर को 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। और उसके बाद अगले वर्ष भी आएंगे था 2004 के भी आएंगे, मतलब साधारण वर्ष के बाद साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो एक दिन की वृद्धि होगी, अर्थात 2003 से 2004 में जा रहे हैं तो एक दिन की वृद्धि होगी, फिर 2004 से 2005 में जाएंगे तो 2 दिन की वृद्धि होगी क्योंकि 2004 जो है वो आपका लीप वर्ष है। तो कोई भी लीप वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और उसके अंतिम दिन में एक दिन की बढ़ोतरी होती है और उसके अगले वर्ष जाने में एक दिन की और बढ़ोतरी होती है, अर्थात 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। तो देखते हैं कैसे क्या है, हमने क्या बताया इसमें दिया गया है 18 अक्टूबर को क्या है आपका 18 अक्टूबर 2003 को आपका शनिवार है। अब पूछा गया है आपका 2005 का पूछा गया है, तो 2003 के बाद हम क्या आता है 2004 आता है, 2004 अगर देखेंगे तो 2004 को कौन सा दिन होगा, ये 18 अक्टूबर को ये दिन समान रहेगा। तो देख रहे हैं साधारण 2003 क्या है, साधारण वर्ष है और हमने क्या बताया कोई भी साधारण वर्ष हो उस वर्ष का अंतिम दिन और उस वर्ष का प्रथम दिन समान होता है। अब इसमें अगर देख रहे हैं शनिवार है 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर 2004 को हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार में एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी, अर्थात क्या होगा अगले वर्ष हमारा होगा रविवार। अब ये हमारा रविवार हो गया। अब देख रहे हैं लीप वर्ष में, देख रहे हैं 2004 है, 2004 है लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हमें एक दिन की और बढ़ोतरी होगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है लीप वर्ष है, लीप फरवरी जो है 29 का महीना है तो 29 में एक दिन की और बढ़ोतरी होगी, तो अर्थात क्या हो गया ये सोमवार का दिन हो गया। अब 2005 को हमें पूछा गया है, 2005 को पूछा गया है 2005 को कौन सा दिन होगा आपका, अब हमें एक वर्ष एक दिन की और बढ़ोतरी करना है जो है साधारण लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक दिन की और अगले वर्ष में जा रहा है तो अगले वर्ष में एक दिन की और बढ़ोतरी होगी, अर्थात क्या होगा मंगलवार, सोमवार में एक दिन और जोड़ देंगे तो क्या होगा मंगलवार, ये आपका मंगलवार आया। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में मंगलवार है, जो आपका ऑप्शन मंगलवार होगा वही आपका सत्य होगा। तो देख रहे हैं कौन सा है ये ऑप्शन नंबर ये डी। इस तरह से आपके कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही लगातार कैलेंडर के प्रश्न पूछे जाते हैं और देखते हैं आगे प्रश्न। आगे क्या दिया गया है आपका देख रहे हैं, ये 18 अक्टूबर का हो गया दिया गया है। अगले प्रश्न में 6 जनवरी 2014 को सत्ता का कौन सा दिन था, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, देख रहे हैं 6 जनवरी को पूछा गया है साथ इसमें देख रहे हैं इसमें कोई दिन हमें दिन और तारीख कोई भी पता नहीं है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या वो भी अगर 100 वर्ष है
अगर हम शुरुआत करते हैं, इसको हम हल करते हैं, कई पार्टों में हल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी वर्ष हो, अगर 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में क्या होता है, विषम दिनों की क्या संख्या क्या होती है, 5 होती है, ये आपको याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो आप हमारे कैलेंडर वाले प्रश्न जो है क्लास है उसको देख लीजिए कि ये 5 दिन कैसे आया। उसी प्रकार से देखेंगे 2 वर्षों में जाएंगे तो 200 वर्षों में आपका विषम दिन कितने होंगे, 3 दिन, 3 विषम दिन होंगे। इसी प्रकार से 300 वर्षों में आपका 1 विषम दिन होगा। ये सभी आपके विषम दिन हैं। विषम दिन क्या होते हैं, अगर सप्ताह के देखें, महीनों में देखें विषम दिन क्या होगा, उस महीना अगर महीना में हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग करने के बाद जो जो है शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। तो आपके 5 × 3 = 1 आपका 300 वर्ष होंगे। अब 400 वर्षों में देखेंगे, 400 वर्षों में आपके विषम दिनों की संख्या 0 होगी। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। अब इसी तरीके से जो है आपका ये क्रम चलता जाएगा, 5 × 3 = 1 = 0, ये लगातार 400 वर्षों में ऐसे लगातार रिपीट होते रहेंगे। अगर हम फिर 500 वर्षों में लें तो 500 वर्षों को देखें तो क्या होगा, 500 वर्षों में हम इस तरीके से कर सकते हैं, 400 वर्ष और प्लस 100 वर्ष। तो 400 में आपको पता होगा 400 वर्षों में जो है विषम दिनों की संख्या 0 होती है और 100 वर्षों में क्या होता है, 5 होता है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, 5 यहाँ भी फिर से 5 आ गया था, क्या हो रहा है, हमने क्या बताया, ये 5 × 3 = 1 = 0 लगातार 400 वर्षों में रिपीट होता रहेगा। 0 के बाद हमारा फिर से होगा 5, फिर से 3 आएगा, फिर से 1, अर्थात देखेंगे 400 के जो गुणज में जितने भी होंगे उनके विषम दिनों की संख्या 0 होगी, 300 के गुणज में जितने होंगे उनके विषम दिन 1 हो गए, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हम इसी तरीके से देखते रहेंगे कि हमें 6 जनवरी 2014 को दिन ज्ञात करना है। तो 6 जनवरी 2014 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2014 को देखना है हमें, 6 जनवरी 2014 को देखना है। तो क्या करते हैं, देखते हैं, जैसे क्या होगा, इसको हम अलग अलग ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं प्लस 14 वर्ष, और कब का पूछा गया है, 6 जनवरी का पूछा गया है, 6 जनवरी का पूछा गया है, तो ये हमारा 13 वर्ष होगा, क्योंकि 13 पूर्ण वर्ष होगा और 14वें वर्ष से हमारा 6 जनवरी स्टार्ट होगा। तो हमारा 13 वर्ष पूरा होगा और 14वें वर्ष में 2014 पूछा गया है, तो 13 वर्ष बीत गया है, 14वें वर्ष में आपका 6 दिन जो है 6 जनवरी का पूछा गया, तो 6 जनवरी का 6 दिन हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, विषम दिनों की दिन ज्ञात करना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो विषम दिनों की हमने क्या बताया, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 5, इसी प्रकार से 200 में 3 और 300 वर्षों में 4 विषम दिन और 400 वर्षों में ये 300 वर्षों में 1 और 400 में 0 होता है। और हमने क्या बताया, 400 के गुणज में जितने भी आएंगे, जितने भी वर्ष आएंगे, शताब्दी वर्ष आएंगे, उनके विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो 400 के मल्टीपल पे ये 2000 जो है ये 400 के मल्टीपल पे है, तो ये भी इसका विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब रही बात 13 वर्षों का हमें विषम दिन ज्ञात करना होगा, तो 13 वर्षों का हमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, विषम दिन हमारे अगर साधारण वर्ष देखते जाएंगे, साधारण वर्ष अगर देखें तो 13 साधारण वर्ष होंगे, तो 13 तो हमने 13 विषम दिन होंगे, तो 13 वर्षों में तो 2000 और 2014 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे उनको भी हमें काउंट करना होगा। तो कितने लीप वर्ष होंगे, 2000 जो है 2000 तो होगा, उसको हमने काउंट नहीं करना है, 2000 के बाद हमें क्या करना है, 2004, 2008 और 2012 कितने लीप वर्ष हुए, 3 लीप वर्ष हैं, तो 3 लीप वर्ष हुए इनको भी हमें ऐड करना होगा। 2000 और 2014 के बीच में कितने लीप वर्ष आए, 3 लीप वर्ष आए, उसको हमने लिखा। उसके बाद 6 जो है आपके 6 जनवरी का है, कि 6 जनवरी का हमने पूरा लिख लिया। अब इसे विषम दिन और ज्ञात करते हैं, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या होंगे, जो संख्याएं 7 से ज्यादा हैं उनको हम 7 से मल्टीपल करके जितने विषम जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन ज्ञात होगा। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 × 1 = 7 विषम दिन क्या हो रहे हैं, 6 जो है शेष बच रहा है, 6 आपका विषम दिन होगा वही। इसी तरीके से ये 3 है और 6 है, हम सभी को ऐड कर देते हैं और देखते हैं उसके बाद हम विषम दिन कितने हो रहे हैं। तो 6 × 3 = 9 = 6 = 15 हो रहा है। अब 15 में हम 7 से ज्यादा जा रहा है, तो 7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम 7 से फिर से भाग करेंगे और इनके विषम दिन ज्ञात करेंगे। तो 7 × 9 = 14 तो पूरी तरह से कट रहा है, बचे विषम दिनों के जो शेष बच रहा है 1 और 1 वही आपका विषम दिन है। अब 1 आया, 1 अर्थात क्या होगा आपका, आपको ऐसे वर्षों में 0 अगर 0 होता है, 0 में रविवार होगा, 0 अगर आएगा तो 0 रविवार होगा, 1 आएगा सोमवार, इसी तरीके से छठवां दिन आपका कौन सा दिन होगा, छठवां शनिवार होगा।
तो आपका कौन सा दिन आया है? एक आया है, एक विषम, अगर एक आया तो दो है, वो कौन सा दिन होगा? सोमवार। अगर विषम दिनों की संख्या दो आता तो मंगलवार, तीन आता तो बुधवार, इसी तरीके से छह आता शनिवार और जीरो आता तो रविवार। तो आपका विषम दिन एक आया तो इसका जो है आंसर होगा सोमवार, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं आगे, और इससे पूछा गया आपके एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं? समकोण बनाती हैं, तो समकोण बनाने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि घड़ी समकोण कब कब बनाती है। मान लीजिए आपका एक कोई घड़ी हो गया और ये घड़ी के आपके चार डायल हो गए, एक हो 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। समकोण बनाने की बात की यही है, हर घड़ी में जो है दो बार समकोण बनता है। एक बार अगर हम 3 से कर रहे हैं तो एक बार 12 से 3 के बीच में समकोण बन रहा है, और एक 12 से 9 के बीच में समकोण बन रहा है। अर्थात 24 घंटे में कोई समकोण कितने बन, 12 घंटे में कितने बार समकोण बनेगा? ये 22 बार बनेगा। अगर आप 180 जीरो डिग्री का कोण पूछा जाए आपसे, जीरो डिग्री कोण के केस में पूछा जाए तो कितने बार जो है घड़ी सुइयां जीरो डिग्री के कोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार जो है जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं। इसी तरह 180 के अंश के केस में, 180 अंश के केस में भी यही होगा कि 12 घंटे में 11 बार जो है 180 अंश का कोण बनाएंगी और 24 घंटे में 22 बार। लेकिन समकोण वाले बात में, समकोण वाले में देख रहे हैं 12 घंटे में जो है एक घंटे में दो बार समकोण बना रहे हैं, एक घंटे में दो बार समकोण बना रहे हैं, जबकि इसमें एक घंटे बार एक ही बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा और एक घंटे में एक ही बार 180 का कोण बनेगा। तो एक घंटे में आपके जो है समकोण बनेंगे दो बार। तो इसी तरीके से दो बार बनेगा तो जो है 24 जितने उसमें बन रहे थे जीरो डिग्री और 180 डिग्री में, उसका दुगुना हो जाएगा। तो 12 घंटे में अगर समकोण पूछा जाए, समकोण के केस में इसका दुगुना हो जाएगा सभी का। 12 घंटे में इसमें 11 बार बन रहा था जीरो डिग्री और 180 डिग्री के केस में, तो इसमें हर बार दो बार जो है हर घंटे दो बार बन रहा है, तो इसमें भी 12 घंटे में 22 बार बनेगा समकोण। और 24 घंटे में इसका दुगुना हो जाएगा, कितना? उसमें 22 बार बन रहा था, जिसका 22 का दुगुना हो जाएगा 44 बार कितने समकोण बनेगा 24 घंटे में। तो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समकोण बनेंगी? तो 24 घंटा अर्थात क्या होगा, एक दिन में कितने बार समकोण बन रहा है? 44 बार। और 44 के मल्टीप्लाई पे जितने जो ऑप्शन देखेंगे, इसको हम ऑप्शन से रिलेट करके देख सकते हैं, जो ऑप्शन जो हैगा चारा के जो है 44 के मल्टीप्लाई पे होगा वही आपका सत्य होगा। तो देख रहे हैं कौन सा हो रहा है, हमें 44 × 7 करना है। साथ में एक हफ्ते में पूछा गया है, एक हफ्ते में हम एक 24 घंटे में था, एक दिन में 44 बार बन रहा है, तो हमें 7 दिन का पूछा गया है। 7 दिन में बात करेंगे, 7 × 28 और 7 × 28 = 30, 308 बार जो बनेंगी, कितनी बार क्या बनेगा, एक दूसरे के समकोण होंगी ये घड़ी की सुइयां। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन 308 दिख रहा है, जो ऑप्शन दिख रहा होगा 308 वही सत्य होगा। आप लोग अगर फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार वीडियो फिर से पुश करके फिर से बैक करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा, और अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण पूछा जाए तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार, ये 0 डिग्री और 180 अंश के केस में, और समकोण के केस में उसी का दुगुना हो जाएगा। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, इसमें आपका एक हफ्ते का पूछा गया था, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 हमने गुणा कर दिया तो आया इसका 308 बार। आगे से पूछा गया है प्रश्न में कि जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटे कोण का मान क्या होगा? तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले इसको अपने नोटबुक में कई तरीके से देखा होगा, कहीं देखा होगा आपने साल का फार्मूला होता है थीटा बराबर 60 घंटा - 11/11 मिनट/2, आपने इस तरीके से भी देखा होगा, या फिर इस फार्मूले को इस तरीके से भी देखा होगा 30 घंटा - 11/2 मिनट, ये थीटा बराबर हो गया। आपने इस फार्मूले को इस तरीके से भी देखा होगा और इस तरीके से भी, उसको कई तरीके से हल करेंगे, लेकिन आएगा इसको हल करने के बाद यही आएगा।
अब पब से पूछा गया है इन दोनों का कोड पूछा गया है। तो कोड का केस में यही आपका फॉर्मूला होता है, घंटे की सुई में जितना बच रहा होगा आपको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे वाले सुई के स्थान पर घंटे वाले का स्थान रखेंगे तो क्या होगा, घंटा हो रहा है घंटे में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 घंटे का समय हो रहा था जहाँ 5 रखेंगे। और माइनस देख रहे हैं 11 और उसके बाद देख रहे हैं मिनट, ये आपका मिनट है तो मिनट की सुई में कितना बच रहा है, 49 बच रहा है, तो इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल के भाग में बटे 2 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद क्या होगा, इसको 56 से 30 300 हो रहा है इसका और 49 में 11 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है 9 4 13 और 539 हो रहा है इसका इस तरीके से। और देख रहे हैं 300 जो 539 है, देख रहे हैं 300 जो है कम है 539 में, तो थीटा घड़ी के केस में अगर थीटा कोण माइनस या प्लस आ रहा है तो उसमें हम हमेशा बड़े वाले से छोटा को घटाएंगे, इसमें माइनस को नहीं लेंगे। तो इसको अब घटाएंगे तो क्या होगा आपका 539 में 300 घटाएंगे तो हो गया आपका 39, 5 में 3 के 2 2 37 और इसमें 2 को भाग करेंगे तो आपका आएगा, हल करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 9 18 और 2 5 10 119.5 डिग्री का कोण बन रहा है किसने, किसमें 5:49 के बीच में। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जो 119.5 डिग्री का कोण बन रहा है ऑप्शन नंबर ये पहला डी वाला सत्य है। इस तरीके से इसका कोण निकालते हैं घड़ी के केस में। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वां है, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। तो रैंकिंग में हमने पढ़ा होगा क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है, अर्थात जितने भी अगर छात्र दिए गए हैं तो कुल छात्रों की संख्या प्लस उसका बाएं से स्थान उसका दाएं से स्थान माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आप रख देंगे दायां बायां केस में तो आप बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो उसमें क्या पूछा गया है कि एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वां है, तो नीचे से 15वां है और यदि कक्षा में 30 छात्र हैं अर्थात टोटल छात्रों की संख्या क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, तो टोटल हम यहाँ टोटल के स्थान पर हम 30 रख लेंगे। और पूछा गया है ऊपर से स्थान अर्थात क्या हो गया है राइट, और ये आपका राइट वाला स्थान पूछा गया है और लेफ्ट वाला दिया गया है कितना 15वां दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे हल करने के बाद जो भी आएगा वही आपका ऊपर से उसका स्थान होगा किसका रेणु का। इसको हल करेंगे क्या होगा 31 हो गया और 31 में 15 घटा देंगे जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा, तो 7 5 56 11 15 में से 14 तो आपका आ रहा है 16। तो इनका स्थान क्या है ऊपर से इनका स्थान क्या आ रहा है 16वां आ रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सी सही है इसका। इस तरीके से आपका रैंकिंग का प्रश्न जो है इस तरीके से हल करते हैं आप। अब देखते हैं आगे, आगे दिया गया है एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि दो आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है, यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है ये आपको इसमें पॉइंट देखना है क्या पॉइंट दिया गया है, इसमें एक टिप दिया गया है कि दो आसन घरों के साथ दो घरों के बीच की जो दूरी है समान है, अर्थात सभी जो घरों की दूरी है आपस में समान है। तो घरों कितने घर हैं आपके पंक्ति में 15 घर हैं और इसमें दिया गया है दो घर आपस में समान है और इसमें दिया है पहले और 15वें घर के बीच कितने 560 की फीट की दूरी है, तो हमारा ये मान लीजिए पहला घर हो गया और यह 15वां घर हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है जो है 560 दिया गया है, अर्थात हम क्या होगा 15 में से एक जो है इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो 15 इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे क्या होगा जो अंतिम अक्षर है जो अंतिम स्थान है और उसका प्रारंभ जो स्थान है उनको माइनस करेंगे तो हमें बीच वाला स्थान प्राप्त होगा। तो 15 है 15 में से एक माइनस करेंगे तो 14 प्राप्त हो रहा है, 14 जो है उन घरों के बीच की दूरी है जो है बीच का स्थान है और बीच का स्थान क्या दिया गया है आपको 500 जो बीच की दूरी कितना दिया गया है 560 फीट, ये 15 पहला और 15वां के बीच की दूरी जो दिया गया है ये फीट दिया गया है। अब आपको एक फीट का अगर निकालना होगा तो क्या होगा एक जो एक घर जो है घर के बीच की दूरी
तो क्या होगा, 560 में 14 से भाग देंगे, जो आपका आएगा वो एक घर के बीच में दूरी निकलेगी, तो क्या होगा 40 फीट, 40 फीट एक घर के बीच की दूरी हो गई। था एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी कितनी हो रही है 40 फीट। अब पूछा क्या गया है इसमें, तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी पूछा गया है, तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी। तो तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, जो अंतिम संख्या है और जो पहली संख्या है इसको माइनस करेंगे, उनके बीच की दूरी क्या हो रही है 4, और 4 जो होगी, और हम देख रहे हैं एक फीट एक घर के बीच की दूरी कितनी हो रही है 40, और 40 चार घरों के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त होगा, जो 40 आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जो है 160 जो है फीट दूरी क्या आएगा, ये तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी। तो 160 फीट आ रहा है, कितना पहले तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी कितना आ रहा है 160 फीट आ रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य है। ये आपके रीजनिंग में इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, जैसे आप ऐसे लग रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ का ना होकर के ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग में कई टाइप के प्रश्न आते हैं, और ये आपका प्रश्न आया है रेलवे के NTPC 2021 में। चलते हैं आगे प्रश्न और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके। यदि इसमें दिया गया है कि यदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे और उसका नियम क्या क्या बोल रहा है, ये कहने का संदर्भ क्या है, अर्थात इसमें कहने प्रश्न का कहने का संदर्भ यह है कि ABCD की श्रृंखला में जो अगर हम ABCD जैसे दिया गया है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट से ABCD के क्रम में अगर रखें तो कितने जो है अक्षर की आपस में जो है कितने अक्षरों के स्थान जो है अपरिवर्तित अर्थात उनका स्थान वही रहेगा जैसा डायरेक्ट में दिया गया है। तो इसको हम कैसे रखेंगे, हमने क्या बताया, अल्फाबेट सीरीज में जो पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे, और उस अल्फाबेट सीरीज में जो लास्ट बाद में आएगा उसको बाद रखेंगे। तो उसी तरीके से हम रखेंगे, जो देखेंगे कितने स्थानों का स्थान कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो करते हैं, हमारा दिया गया है डायरेक्ट DIREECT, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हम जो है अल्फाबेट की सीरीज में रखेंगे जैसा जैसा इसका क्रम है। तो पहले आएगा ABCD, तो पहले देख रहे हैं ABCD क्रम में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी को हम पहले रखेंगे। सी के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें से, ई, सी के बाद क्या आएगा, ई, अर्थात ABC अल्फाबेट सी के बाद क्या आएगा, देख रहे हैं सी के बाद डी है, तो सी के बाद डी आएगा अल्फाबेट सी, हमें अल्फाबेट की सीरीज क्रम में चलना है, तो सी आएगा, सी के बाद यहाँ पर देख रहे हैं डी है, तो डी को रखेंगे, और डी के बाद देखेंगे इसके बाद और कोई स्थान और कोई अक्षर नहीं है जो है वो है ई है, तो जी के बाद क्या आएगा इसमें ई आएगा, ई के बाद देखेंगे अगर और आगे बढ़ जाएंगे अल्फाबेट सीरीज में तो ABCDEFGHI आ रहा है, तो आई को हम उसके बाद रखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, IJKL, तो उसमें अब अल्फाबेट सीरीज में देखना है, तो पहले अब देख रहे हैं बचे दो टी और आई, तो पहला कौन आएगा, आर आएगा, तो टी जो रहे हैं उसका स्थान वही है। क्या हो रहा है, इन जितने भी अक्षर दिए गए हैं DIREC इनका जो है देख रहे हैं स्थान जो इसमें था और इसमें देख रहे हैं इसमें स्थान इन चार अक्षरों का स्थान जो है पांच अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ है, जबकि स्थान यहाँ टी का देख रहे हैं यहाँ लास्ट में था और इसमें भी देख रहे हैं इसका स्थान लास्ट में है, अर्थात टी का स्थान जो है अपरिवर्तित है, बाकी सभी अक्षरों का जो है स्थान परिवर्तन हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही है, तो कितने अक्षरों की जो है अपरिवर्तित रही है, केवल एक ही, तो ऑप्शन देखते हैं केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर डी ही है। अब आगे से दिया गया है कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि दिए गए प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट करता है। ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न के अनुसार आपको तर्क देना है और तर्क में कौन सा तर्क सही है आपको ऑप्शन दिया गया है। तो प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं कि क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों के दंडित किया जाना चाहिए, आपका प्रश्न है और प्रश्न दिया गया वो आपका तर्क जानना चाहिए, जानना चाहते हैं कि तर्क क्या होना चाहिए। देख रहे हैं पहला तर्क दिया गया है, नहीं, नकल करना सफल कर लोगों के बीच के एक आम बात है, अर्थात क्या दिया गया है आप, अर्थात ये तर्क कहने का मतलब है नकल करके आप आम लोगों के बीच में, अर्थात जो पास हो रहे हैं जो बिना नकल करके पास हो रहे हैं उनके बीच में आप अच्छी छवि बनाने के लिए नकल करना अच्छी बात है, ये इसे पढ़ने का कथन का कहने का मतलब है। तो नकल जो है इलीगल है, अर्थात नकल करना जो है अपने आप को खुद से दिखा देना, साथ में जो है अपने फ्यूचर को भी दिखा देना, अपने पेरेंट्स को भी दिखा धोखा देना है। तो आपका तर्क जान रहा है, जो आपका पहला तर्क देख रहे हैं, नहीं नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है, अर्थात ये पहला जो तर्क दिया गया है ये गलत होगा, ये तर्क जो है पूरी तरह से सहमत नहीं कर रहा है।
अगला दिया गया है, हाँ चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। इसका जो है संदर्भ सही निकल रहा है, अर्थात जो है परीक्षाएं किस लिए होती हैं, अगर आप नकल ही कर लेंगे तो परीक्षा का मतलब क्या निकलेगा, अर्थात परीक्षा जो होती है आपके जो है मानसिक योग्यता आपकी जो है क्षमता को आंकने के लिए परीक्षाएं होती है, तो उसमें आप नकल विहीन करेंगे तभी आप ईमानदारी से देंगे और ईमानदारी से अपना स्कोर करेंगे। तो आपका जो देख रहे हैं दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं कि ये आपका सही समझ में आ रहा है, ये सही है आपका तर्क कि हाँ चूंकि परीक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है, सही बात है ये, और इसीलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। और जो प्रश्न दिया गया था कि परीक्षा में नकल करने वाले को छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए, हाँ सही तरीके से दंडित करना चाहिए, ये आपका दंडित करने का जो है उद्देश्य दिया गया है दूसरा वाला, ये सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ना तो तर्क पहला पुष्ट करता है ना ही दूसरा, जबकि आपका जो है दूसरा वाला पुष्टि कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। केवल तर्क एक पुष्ट कर रहा है, इसमें देख रहे हैं तर्क एक पुष्ट नहीं कर रहा है आपका ऑप्शन जो है तर्क में, हमारा ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है बी वाला, ये भी गलत होगा। आगे दिया गया है तर्क एक और दोनों पुष्ट करते हैं, हमारा केवल दूसरा तर्क पुष्ट कर रहा है, तो हमारा ये तीसरा जो है सी वाला ऑप्शन इसमें दिया रहा है दोनों पुष्टि कर रहा था, ये हमारा गलत होगा। बचा है डी वाला, केवल तर्क दो पुष्ट कर रहा है, सही बात है ये, केवल तर्क दो पुष्ट कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सत्य है, यही आपका ऐसे इसको हल करते हैं। आगे दिया गया है निर्णय ले कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त या आवश्यक है, यह आपका प्रश्न दिया गया है लेट के लिए कोड क्या है, प्रश्न आपका पूछा गया है और प्रश्न को उत्तर देने के लिए कितने कथन जो है पर्याप्त होंगे आपका प्रश्न दिया गया है। तो देख रहे हैं कथन दिया गया है किसी कोड का कोड भाषा में आई वॉज लेट को एन इज ले लिखा गया है, और दूसरे कथन में दिया गया है सी इज लेट को सी इज ले के रूप में लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया कि लेट का इसमें कोड क्या होगा, लेट का कोड क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या होगा जो पहला कथन है उसको भी उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, जो दूसरा कथन दिया गया है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें क्या देखेंगे कि लेट हमें लेट का निकालना है, तो हमें लेट देखना है कि लेट कहाँ पर है, तो इसमें देख रहे हैं लेट यहाँ पर है, और इसमें भी देखना है लेट कहाँ पर है, लेट इसमें भी यहाँ है, जब लेट इसमें भी है लेट इसमें भी है, तो इसमें जो इसका जो कोडबद्ध किया गया है उसका भी कोडबद्ध जो कुछ ना कुछ दिया होगा उसका जो कॉमन होगा, क्योंकि इस दोनों में लेट कॉमन है, तो जो है आपको कोडबद्ध में जो दिया गया होगा वो भी कॉमन होगा। देखते हैं इसमें एन विज ले और सीज ले में कौन सा कॉमन है, देख रहे हैं एल ई और एल ई दोनों में कॉमन है, अर्थात लेट का जो अर्थ क्या होगा कोड क्या है ले, तो क्या आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कथन क्या बोल रहा है, या तो आवश्यक एक या तो एक अथवा दो पर्याप्त नहीं है, जबकि इसमें दोनों पर्याप्त हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है तथा जो ऑप्शन दिया रहा है ये गलत है। दूसरा देखते हैं कथन अकेले पर्याप्त है, क्योंकि हमें दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी तभी हमें लेट का जो है क्या कोडिंग किया गया है क्या कोड बद किया गया है तभी ज्ञात कर सकते हैं, था हमारे दूसरा वाला भी गलत है, इसमें दिया जाए अकेले अगला ऑप्शन दिया गया है अकेले दो पर्याप्त है, तो ये भी हमारा गलत है, हमें दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ी है, तो कथन एक और दो एक साथ पर्याप्त है, जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे तब तक हम लेट का जो है कोडबद्ध नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है आपका कथन और निष्कर्ष दिया गया है, और कथन दिया गया है नैना माई से पेन मांगती है, आपका कथन दिया गया है और निष्कर्ष में बोला गया है कि नैना के पास पेन नहीं है, दूसरा कथन बोला गया निष्कर्ष बोला गया है नैना कुछ लिखना चाहती है। ये आपके रेलवे में प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप में, आपने बहुत देखा होगा कथन निष्कर्ष के कि कुछ जो है सभी कुछ और कोई नहीं वाला देखा होगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि नैना माई से पेन मांगती है, आपका कथन दिया गया है और नैना के बारे में बोल रहा है कि नैना के पास पेन नहीं है, जब नैना के पास पेन नहीं है तभी माई से मांग रहे हैं, नहीं तो वो जो है माई से नहीं मांगती। दूसरा बोला गया है नैना कुछ लिखना चाहती है, अर्थात पेन किस लिए होता है, लिखने के लिए होता है, जब पेन नैना को कुछ लिखना होगा उसके पास पेन नहीं है तभी किसी दूसरे से मांग रही है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न तो एक और न तो दो अनुसरण करता है, हमें क्या है नैना के पास पेन नहीं है तभी वो पेन मांग रही है, तो ये हमारा पहला जो है निष्कर्ष ये भी सही है, दूसरा निष्कर्ष जो है नैना कुछ लिखना चाहती है, नैना जब कुछ लिखना चाहती है तभी ना वो पेन मांग रही है, तो हमारा दूसरा भी निष्कर्ष सही कर रहा है।
तो इसमें देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, इसे इसका दोनों ऑप्शन सही है तो हमारा पहला जो है कथन दिया गया है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, अर्थात ये दोनों निष्कर्ष हमें पालन कर रहा है तो यही हमारा सत्य होगा। तो ये हमारा जो कथन निष्कर्ष के इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आप इसको बहुत बड़ी सावधानी से पढ़िएगा और आसानी से इसको बहुत ही आसान होता है ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसे ही हमारे जो है चैनल कनेक्ट एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को लगातार जोड़ते रहिए। हम अपने चैनल पे लगातार और जितने हैं प्रैक्टिस सेट और क्लासों की प्रैक्टिस सेट चल रही है लगातार आपके लगातार और आप लोग लगातार इसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।